नवरात्र में 9 दिन उपवास, अन्न का त्याग। व्रत के दौरान पीएम मोदी का ये है डाइट प्लान। आज से शुरू हो गए हैं माता के नवरात्रे। माँ शैलपुत्री की आराधना के साथ शुरू हुए हैं मैया के शारदीय नवरात्रे। आज से लेकर अगले 9 दिन तक भक्त दुर्गा जी के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करते हैं। देश भर में माँ के इस उत्सव को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ माँ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। नवरात्र के मद्देनजर देश भर के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में आदिशक्ति माँ दुर्गा का भव्य दरबार सज गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्रों में माँ दुर्गा के लिए उपवास रखते हैं। वो पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने पूरे 9 दिन के लिए माँ दुर्गा के व्रत का संकल्प लिया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी पिछले 43 सालों से नवरात्रों पर व्रत रखते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रों में 9 दिन का उपवास रखते हैं। वहीं हमेशा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के आरंभ होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और कामना की कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। बता दें कि नवरात्रि के दिनों में पीएम हर दिन माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। पीएम इस दौरान पूरी तरह अन्न का त्याग कर देते हैं। 9 दिन उपवास के दौरान पीएम सिर्फ नींबू पानी और दिन में सिर्फ एक बार फल ग्रहण करते हैं। बिजी शेड्यूल के बावजूद नवरात्रि में 9 दिन तक पीएम व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक पूरा उपवास रखने के बावजूद पीएम मोदी के रूटीन में कोई बदलाव नहीं आता है। उनकी राजनीतिक गतिविधियां इस दौरान जारी रहती हैं। नवरात्रि के उपवास के दौरान पीएम मोदी की सक्रियता में कोई भी कमी नहीं आती है। प्रधानमंत्री पद की सभी जिम्मेदारियां हो या फिर चुनावी रैलियां, पीएम मोदी पूरे जोश से काम करते दिखाई देते हैं। इस दौरान हमेशा की तरह प्रधानमंत्री रोज सुबह योग भी करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं। एक बार उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा था, नवरात्रि के उपवास उनका वार्षिक आत्मशुद्धि व्यायाम है जो उन्हें हर रात अंबे माँ के साथ बातचीत करने की शक्ति और क्षमता देता है। पीएम मोदी के कठिन उपवास रखने की ये बात देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। पीएम बनने के बाद सितंबर 2014 में मोदी पहली बार अमेरिका यात्रा पर गए। उस दौरान शारदीय नवरात्र चल रहे थे। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में भोज दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी भोज पर बैठे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस दौरान गर्म पानी पिया। इस बात की चर्चा ग्लोबल मीडिया में हुई और उनकी धार्मिक आस्था सबकी नजरों में आ गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।